नमस्ते दोस्तों, चलो चलते हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु। एक ऐसा दिन जो सबके लिए स्वागत है, IISc ओपन डे। IISc में पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहां से बाहर निकलकर आप बस में भी जा सकते हो या ऑटो में भी, लेकिन सबसे अच्छा तरीका पैदल जाना है, क्योंकि यहां से सिर्फ 10 मिनट के पैदल चलते ही आप IISc पहुंच सकते हो, जो बहुत ही सीधा सीधा मार्ग है। IISc में ओपन डे हर साल फरवरी के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस दिन में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग तक आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। आप रजिस्टर करके या ना करके भी यहां आ सकते हो। IISc 1909 को जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट साइंस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एक है। टाटा के द्वारा स्थापित किया गया इस इंस्टीट्यूट को आम लोगों की भाषा में टाटा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इसलिए जब आप यहां आ रहे हो तो लोगों से पूछते समय टाटा इंस्टीट्यूट कहां है ऐसा पूछें। IISc में 40 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। एक बड़ा कैंपस होते हुए इस कैंपस को एक दिन में पूरी तरह से आप नहीं देख पाओगे, लेकिन इस दिन में आप बहुत कुछ देख सकते हो जो शायद आपको अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकती है। तो चलो देखते हैं IISc के ओपन डे में क्या क्या हो रहा है। IISc का लाइब्रेरी टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। यह लाइब्रेरी बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ कितना बुक है, इतना बुक एक साथ मैंने कभी भी नहीं देखा। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी देती जा रही है। चलो देखते हैं, एक बुक तो निकाल के देखते हैं ये सब क्या क्या है। मुझे लगता है ये मेरी बस की बात नहीं, चलो रख देते हैं। आगे निकलते हैं और IISc के दूसरे विशेषता को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे भी कोई पढ़ाई करता है? हम निकल पड़ रहे हैं IISc के हर एक कोने में, ताकि हम IISc को और भी करीब से समझ सकें। अगर आप थक गए तो आपको जगह जगह जाने के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हर कोने में हेल्प डेस्क और पानी के डेस्क भी देखने को मिलेगी। यह ओपन डे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक होगी, तो आपको इतना समय के अंदर पूरा इंस्टीट्यूट देखने को मिलने का अवसर मिल रहा है, तो इसका हमें मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए। और भविष्य के बदलाव को हमें यहाँ देखने को मिलता है।
यहाँ तो लगता है कि सब लोग साइकिल में ही जाते हैं और यह तो बड़ी अच्छी बात भी है। अरे ये लोग तो क्या कर रहे हैं? पता नहीं, बलून से तो कुछ कर रहे हैं। बलून उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, इस इतने बड़े क्यूब में हमें रुकना पड़ रहा है। अरे भैया कोई तो अंदर जाओ, रुकते रुकते बहुत समय हो गया। आखिर क्यों तो अब जा रही है आगे? तो हम पहुंच गए फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। सोचा था कि यहां बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हमें देखने को मिला ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो शायद हम अपने दैनिक जिंदगी में ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं। चलो देखते हैं ये भैया हमें क्या दिखा रहे हैं। अरे ये तो उड़ रहा है। अरे भैया ये तो उड़ रहा है, बॉल उड़ रहा है। भैया हमें अपने पास बुला रहे और एक्सपेरिमेंट को और भी अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हमें कई भैया और दीदी को हमें देखने को मिले जो विभिन्न तरह के एक्सपेरिमेंट हमें समझा रहे हैं। देखते हैं थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट के दृश्य और आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है क्या? ये क्या है? अरे देखो तो लाइट किस तरह हमें देखने को मिल रहा है। शायद ये सब हम अपने दैनिक जिंदगी में भी देखते हैं, लेकिन उसे कभी भी ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करते। तो जब हम आईएसी में आते हैं इस दिन ओपन डे में, ये लोग हमें बहुत अच्छी तरह इन बातों को समझाते हैं ताकि हम समझ सकते हैं कि साइंस कितना हमारे लिए बहुत ही जरूरत पड़ता है। तो आईएसी में आपको ऐसे कई सेमिनार भी देखने को मिलेंगी जहां वे कई चीजों को आसानी की तरह से आसानी से एक्सप्लेन करते हुए नजर आएंगे। रही है शायद। हाँ ये तो सांप का ही चमड़ा है। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक बटन हिट करें और
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। अद्भुत करते रहने की और आपको वंडर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।